बात करें जोधपुर जिले की बूंदा कस्बे की, जहां एक 62 वर्षीय व्यक्ति को घर से दुकान जाते वक्त लाखों रुपए का सोने का पैकेट मिला, जिसे पुलिस थाने पहुंचा तथा ज्वेलर के मालिक तक पहुंचाकर ईमानदारी का परिचय दिया। थानाधिकारी देवकेश ने बताया कि बूंदा निवासी 62 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र प्रभुराम रखारा ने थाने पहुंचकर बताया कि वह अपने घर से दुकान जा रहा था। बूंद तालाब के द्वार पर पुलिस थाने के पीछे बस स्टैंड जाने वाली मुख्य सड़क पर कागज में बंधा हुआ एक पैकेट मिला, जिसे अचानक पैकेट की ठोकर लगी और पैकेट लुढ़ककर आगे आ गया। फिर उसने उसको उठाकर देखा तो कागज के ऊपर प्लास्टिक की टेप में पैकिंग करा हुआ था और पैकिंग पर महेंद्र सांकला वन सांकला के मोबाइल नंबर व मनोज सांकला का नाम पेन से लिखा हुआ था। इसके बाद लखारा ने पुलिस थाने पहुंचकर पूरी जानकारी बताई। इसके बाद पैकिंग पर लिखे नंबरों पर फोन कर सोने के मालिक महेंद्र को जानकारी दी। इसके बाद उसने उसके भाई मनोज सांकला को थाने भेजा। मानक ने बताया कि उसकी दुकान पर काम करने वाला सूरज दुक्तवा, जो सोने के आभूषण लेकर दुकान आ रहा था, उसकी जेब से आभूषण गिर गए, जो यही पैकेट है। इसमें करीब 3 लाख का 4 तोला सोने का आभूषण है। इसमें जेला, नथ, कान की टोपी है। इसके बाद थानाधिकारी ने उस पैकेट को कुछ लोगों के सामने खोला, जिनमें से सोने के मालिक के बताए अनुसार आभूषण निकले। थानाधिकारी देवकिशन ने कहा, ओम प्रकाश लखारा जैसे लोगों में आज ईमानदारी जीवित है। लखारा का आवाज जताते हुए आभूषण मालिक कमर सांकला को 3 लाख के सोने के आभूषण का पैकेट सुपुर्द किया। लखारा गत कई वर्षों से आरएसएस संघ की पदाधिकारी भी है। इस दौरान मानक सांकला, रामनिवास दीवड़ा, ओम प्रकाश लखारा, दुर्गाराम सुतार, रामदेव भौरिया, विकास जोशी, सागर टेलर वाणी लोग मौजूद रहे। बंदे ऐसी खबर के लिए नमस्कार। ओम प्रकाश, ओम फोटो स्टूडियो बोल रहा। मैं अपने घर से दुकान जा रहा था, रास्ते में मुझे पैकिंग का कुछ सामान मिला, तो मैंने पैर से ठोकर मारी तो वो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, उसमें फोटो पे नाम लिखा तो मुझे पता चला इसमें कोई ना कोई आइटम है। फिर मैंने जो नंबर वाले से बुलाया कि आपको कोई माल पे आएगा, उन्होंने बताया कि मेरे इसको फोन उतरे कोई नहीं, तो उनके आइटम बने हुए थे। तो मैंने उनको कहा पुलिस थाना आ जाओ और आप अपना सामान ले लो। तो मैं वो पुलिस थाना आकर थानेदार के सामने और सभी पत्रकारों के सामने और अपने दुर्गाराम जी सुतार और अपने जो शारीर डाक विकास डोसी वो सब के सामने धंधा साहब के सामने इनको महेंद्र जी कछवा को वो अपना आइटम सुपुर्द कर दिया। हाँ, तो उस सोने का करीब 4 तोला सोना था, तो उनको पूछा था भैया आपको क्या क्या आइटम कितना जरूरत थी। 4 तोला सोना जो आइटम था वो धंधा के सामने उन्होंने खोल के उनको सुपुर्द किया।